गिरिडीह की राजनीति में सरफराज अहमद एक जाना माना चेहरा माना जाता है। 1984 में पहली बार सांसद बने सरफराज फिलहाल राज्यसभा सांसद है और गिरिडीह के प्रत्याशी मथुरा महतो के लिए पसीना बहा रहे हैं। सरफराज अहमद से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी राकेश कुमार ने। गिरिडीह ने आज से पहले कई ऐसे चेहरे दिए जो झारखंड की दिशा और दशा को बदलने वाले रहे, उसमें एक नाम सरफराज अहमद का भी आता है। 84 में यहां से सांसद चुने गए, वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर राज्यसभा में सांसद हैं और लगातार मथुरा महतो के लिए पसीना बहा रहे हैं। सरफराज जी, इस बार गिरिडीह क्या बोल रहा है, माहौल क्या है गिरिडीह का? गिरिडीह अच्छा बोल रहा है। गिरिडीह एक अपना हरदिल अजीज नेता जो लोगों के बीच रहे, लोगों के काम आए, उनकी समस्याओं को कम से कम सुने। निश्चित रूप से जिस तरह इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार दूसरे जगह जिनकी अच्छी पोजीशन है, उम्मीद है कि लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, यहाँ से भी उनका मूड बना हुआ है। तो लड़ाई सीधे तौर पर किन से देख रहे हैं, चंद्रप्रकाश चौधरी से या फिर युवा नेता जो जयराम महतो है वो है? चंद्रप्रकाश चौधरी से ये संघर्ष की बिल्कुल नहीं नजर नहीं आता। आप खुद ही रिजल्ट के बाद देख लीजिएगा, लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान की सोच है वो यहाँ की भी सोच है, झारखंड की सोच है वो गिरिडीह लोकसभा की सोच है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की लड़ाई है। और जयराम बाबू अभी यंग बच्चे हैं, मैंने पहले भी कहा कि वो पहले एकाग असेंबली का सिलेक्शन करें और फिर अपने किस्मत को आजमाए, है ना, सीधे पार्लियामेंट के लिए? नहीं, वो संभव नहीं है, लोग डिवाइड नहीं करेंगे वोट को। कर गए और अभी जो गिरिडीह को आप देखते हैं कितना बदला हुआ गिरिडीह नजर आता है? बहुत अंतर है। मेरी राजनीति शुरुआत गांडे से हुई, विधानसभा 80 में, और फिर 84 दिसंबर में लोकसभा में चला गया। मैंने सेकंड स्टेप मेरा यही रहा, फिर वो चलता रहा सिलसिला। तो बहुत अंतर है लोगों के सोच में, लोगों के व्यवहार में। निश्चित रूप से हम आगे बढ़े हैं। पैन और विस्थापन का जो मसला था गिरिडीह का, आपको लगता है कि जो लोग यहां से चुनकर आए उन्होंने कुछ हद तक एड्रेस किया या स्थिति अब भी वही है? नहीं नहीं, हम लोग के टाइम में इतना ज्यादा प्लान नहीं था, ऐसी योजनाएं चलती थी कि लोग इन्वॉल्वमेंट लोगों का यहीं पर हो, मजदूर को मजदूरी मिले। लेकिन इधर 10 सालों में बहुत ज्यादा, चूंकि उद्योग धंधे बंद हुए, कल कारखाने भर हुए, तो लोग बाहर जाने लगे। इस बार मार्जिन क्या रहने वाला है? देखिए भैया, मार्जिन तो मैं जानता हूँ, लोगों का आशीर्वाद अगर मिल गया तो निश्चित रूप से ये सीट हम लोग निकाल लेंगे। बहुत शुक्रिया सरफराज जी हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन देवाशीष के साथ राकेश कुमार, न्यूज 11 बागमारा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।